दोस्तों, आपने अक्सर जिम जाने वाले लोगों को प्रोटीन लेते हुए देखा होगा, पर चूंकि आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऐसा मानते हैं कि प्रोटीन आपके लिए नहीं है। और क्या आप ये भी मानते हैं कि प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी खराब हो सकती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी भ्रांतियों का निदान करेंगे और जानेंगे कि प्रोटीन हमें कितना और कैसे लेना चाहिए। मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं। पर हम आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध है, और आगे भी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। दोस्तों, हमारे खाने में तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, वह है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इन तीनों के डाइट में होने पर ही हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, और इनमें से आज हम फोकस करेंगे प्रोटीन पर। प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसी इमारत में ईंट है। प्रोटीन ना सिर्फ हमारे शरीर में मांसपेशियां, टेंडन, अंग और स्किन बनाने का काम करता है, बल्कि एंजाइम्स, हॉर्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे शरीर के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। प्रोटीन बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं, और ये अमीनो एसिड्स धागे पर मोती की माला की तरह अरेंज होते हैं। और ये अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल यानी शरीर के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स, जहां कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में ही बनते हैं, वही दूसरे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें बाहर से अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं। अलग अलग डाइटरी सोर्सेज या फूड आइटम्स में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जहाँ डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स में सारे जरूरी या एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वहीं प्लांट सोर्सेज में सभी जरूरी जो अमीनो एसिड्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जहाँ अपनी डाइट में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, वही आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रोटीन अलग अलग सोर्सेज से लिए जाए ताकि सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमें मिल पाए। दोस्तों, अब जानते हैं कि एक दिन में कितना प्रोटीन हमारे लिए जरूरी होता है। हर अडल्ट में लगभग 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन रोज लेना जरूरी होता है, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 48 ग्राम प्रोटीन लेना रोज अपनी डाइट में जरूरी है। खासकर महिलाओं में प्रोटीन और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं में मसल मास पहले से ही कम होता है। आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट का 10% हिस्सा आप प्रोटीन पाउडर से पूरा कर सकते हैं, बाकी जो 80-90% प्रोटीन आपको अपनी डाइट से ही लेना है। जो लोग ओवरवेट है या जिन्हें बेली फैट है, उन लोगों को प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी प्रतिदिन तक लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन शरीर में लेप्टिन नाम का जो संतुष्टि हार्मोन है, जो सेटिस्फाइंग हार्मोन है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और कैलोरी इनटेक कम होता है, इसे बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कुल कैलोरी इनटेक का 30% कैलोरी प्रोटीन से ही लेना चाहिए। इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, जिससे उन्हें भूख कम लगे और कैलोरी इनटेक भी कम हो जाए। कुछ केसेस में प्रोटीन की जरूरत और बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, जहां मां को अपने बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। बुजुर्गों में हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, और इसके अलावा वो लोग जो ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, जैसे कि एथलीट्स, इन सबको प्रोटीन के रिक्वायरमेंट अच्छे अमाउंट में चाहिए। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर क्लिक करें। धन्यवाद।